نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين बुजुर्गों और भाइयों, हिजाब के माना है चेहरा छुपाना, बाकी बदन छुपाना, उसका नाम है सत्र। उर्दू में उसका नाम है पर्दा, अरबी में लफ्ज है सत्र, पूरा बदन नाप से लेकर घुटने के नीचे नंगा पा छुपाना, इसके लिए लफ्ज सत्र है, हिजाब लफ्ज नहीं। घुटने के नीचे पैरों तक आदमी छुपा ले तो उसके लिए सत्र लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, हिजाब नहीं। नाप से ऊपर बदन छुपा ले उसके लिए भी सत्र लफ्ज अरबी में है, हिजाब नहीं। हिजाब तो चेहरा छुपाने ही के लिए खास है, और आप हजरात भी जानते हैं कि हिजाब के माने ही चेहरा छुपाने के हैं। फिर अजीबोगरीब कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं ले हिजाब, और फिर कहते चेहरे का पर्दा नहीं, चेहरे ही का छुपाने का नाम तो हिजाब है। इस मसले में सूरे नूर की एक आयत से गलत फहमी हुई। हिजाब की आयत यानी चेहरा छुपाने की आयत सूरे अहज़ाब में, सूरे नूर में नहीं है, मगर आम तौर पर लोगों को सूरे नूर की आयत से गलत फहमी हुई है, इसलिए मैं उसको भी समझाऊंगा। पहले ये समझना चाहिए कि कुरान करीम की हर सूरत एक सहीफा है, और हर सूरत में एक कंप्लीट मजमून है, वो उस सूरत का मौजू कहलाता है कि इस सूरत में किस मसले से बहस है। सूरे नूर का मौजू है इस्लाह मुआशरा, सूरे नूर का मौजू है इस्लाह मुआशरा। मुआशरा बाबे मुफाला का मसदर है,
और मुआशरा के माने हैं रहन सहन, यानी दो या ज्यादा लोग मिलजुल कर रहें, इसका नाम मुआशरा है। माँ बाप और औलाद मिल कर रहे, शौहर बीवी मिल कर रहे, आदमी रिश्तेदारों के साथ मिल कर रहे, पड़ोसियों के साथ मिल कर रहे, अपनों के साथ, परायों के साथ मिल कर रहे, ये मुआशरा है। रहन सहन, जहां रहना होता है वहां सहना भी होता है। रहन सहन के माने जहां चंद आदमी मिलकर रहते हैं उन वहां एक दूसरे की बातें सहनी भी पड़ती, तो मुआशरा नाम है रहन सहन का। इंसान मदनी तबा बनाया गया है, जानवरों की तरह से इंडिविजुअल लाइफ नहीं रखता। घर के सामने पांच भैंसे बंधी हुई हैं, तो रात को जुगाली करके फिर सो जाती है। वो जल्दी जल्दी घास खा लिए ना, उस घास को थोड़ा सा हिस्सा करके मुंह में वापस लाती है और उसको चबाती है। इसको जुगाली करना कहते हैं। वो चबा करके फिर निकल जाते, फिर दूसरा हिस्सा लाएंगे, उसे चबाएंगे, चबा कर वापस करेंगे। तो दिन भर जो जल्दी जल्दी घास खा ली है वो बैठकर जुगाली करेंगे, और जब जुगाली करके फारिग हो जाएंगी तो सो जाएंगी। आपस में बातें नहीं करेंगे, भैंसे आपस में बातें नहीं करेंगी। यही हाल दरख्त पर चिड़िया हैं, कबूतर हैं, वो अपने अपने सब सोते रहते हैं, आपस में बातें नहीं करते। कि सुबह तो चहचहाते हैं, अरे सुबह अल्लाह की तस्बीह करते हैं, आपस में बातें नहीं करते। ये जो परिंदे सुबह सुबह चहचहाते हैं, ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं, आपस में बातें नहीं करते। आपस में बातें करते तो दूसरे वक्त भी करते, सोते वक्त चहचहाते नहीं, दोपहर को चहचहाते नहीं, वो सुबह ही सवेरे चहचहाते हैं। ये चहचहाना अल्लाह की हम्द तस्बीह कर रहे हैं। बहरहाल ये जानवर हैं, ये अपनी अलाहिदा जिंदगी गुजारते हैं, दो या ज्यादा मिलकर उनमें रहन सहन नहीं है, और उनमें भी हाजत है, जरूरत है। तो जब जरूरत पेश आती है तो वक्ती तौर पर नर मादा मिल लेते हैं, फिर एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। इंसान ऐसा नहीं, इंसान मदनी तबा है, मिलजुल कर रहने का खूगर है, और इसी तरह से उसकी जिंदगी अच्छी संवरती है। जब इंसान मदनी तबा है तो कोई इंसान अकेला नहीं होगा, दो या ज्यादा मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, ये मुआशरा है। जब मुआशरा है तो जहां मिलकर रहना है वहां एक दूसरे की बातें सहनी भी पड़ती हैं, लिहाजा इस सहने के लिए कोई उसूल होने चाहिए जिससे मुआशरे का बिगाड़ दूर किया जाए, इसका नाम है इस्लाह मुआशरा। तो सूर्य नूर का जो 18वें पारे में सूरत है, पहले सूरत आई सूरतुल मोमिनून, जब सूरतुल मोमिनून के बाद ये सूरत आई है तो ये मोमिनीन का जो मुआशरा है उसको संवारने के लिए इस सूरत में अहकाम है। पहले सूरतुल मोमिनीन है, मोमिनीन के बाद सूरतुल नूर आई है, यानी मोमिनीन का जो मुआशरा है गैरों के मुआशरे से कुछ लेना देना नहीं है। इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिम सिटीजन हो तो इस्लामी हुकूमत उनकी अलग कोर्ट बनाकर उनको देगी,
जिसमें वो अपने पर्सनल ला के मसाइल ले जाएंगे और अपने मजहब के मुताबिक फैसला कराएंगे, वो हम उनको अपने इस्लाम के ताबे नहीं करेंगे। इस्लामी मुल्क है, वहां हिंदू रहते हैं, हमने उनको सिटीजनशिप दे रखी है, ईसाई रहते हैं, यहूदी रहते हैं, मजूसी, पारसी रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, तो उनके मजहब की कोर्ट, उसमें उन्हीं के मजहब का जज और पर्सनल ला के जो मसाइल हैं वो अपनी कोर्ट में ले जाएंगे और अपने मजहब के मुताबिक फैसला उनका जज करेगा और उसके मुताबिक अमल होगा। इस्लामी कवानीन उन पर नाफिज नहीं करेंगे, इस्लामी कवानीन मुसलमानों पर नाफिज है। हाँ, अगर किसी मुकदमे में एक फरीक मुसलमान है और एक ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, तो अब यह मसला इस्लामी कोर्ट में आएगा, उनकी कोर्ट में नहीं जाएगा। दोनों फरीक गैर मुस्लिम हैं तो उनका मुकदमा उनकी कोर्ट में हो जाएगा और उस कोर्ट का पूरा खर्चा इस्लामी हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जज को तनख्वाह भी देगी, इमारत देगी, सब कुछ देगी और उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक उनका जज फैसला करेगा। इसलिए मैंने कहा कि इस्लामी ममलिकत में दूसरे मजाहिब मानने वाले हैं, हमें उनसे कुछ नहीं लेना, वो अपने मजहब के सिलसिले में आजाद हैं, अपने मजहब पर अमल करें और अपने कोर्ट से अपने पर्सनल लॉ के मसाइल हल कराएं, फैसला कराएं, हम उनको अपने पर्सनल लॉ के ताबे नहीं करेंगे। इस जेल में एक मसला मैं बयान करूं, कभी अफगानिस्तान में तालिबान ने बुद्धा का एक स्टेच्यू तोड़ा था, आपको सबको याद होगा वो वाकया। उस पर लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि भाई तुम कहते हो, तालिबान कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत कायम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत इस्लामी है, तो इस्लामी हुकूमत में तो गैरों की मूर्तियों को तोड़ने की इजाजत नहीं है, तुमने बुद्धा का स्टेच्यू क्यों तोड़ा? ये बड़ा शोर मचा था। तो मेरे भाइयों, इसको समझो, एक हिंदुओं के मंदिर में मूर्तियां हैं, उनको नहीं तोड़ेंगे, वो उनकी पूजा के लिए है, लेकिन अगर गैर इस्लामी हुकूमत ने चौराहों पर स्टेच्यू खड़े कर रखे हैं, वो तोड़ दिए जाएंगे, वो इबादत के लिए नहीं है। दो चीजों में फर्क करो, हिंदुओं की वो मूर्तियां जो मंदिर में हैं और वो उसको पूजते हैं, उसको नहीं तोड़ेंगे, पूजो तुम्हारी मर्जी, लेकिन शहर में जगह जगह चौराहों पर स्टेच्यू मूर्तियां खड़ी कर रखी हैं, ये तोड़ दी जाएंगे। जब इस्लामी हुकूमत आएगी तो इसको तोड़ देगी, क्योंकि ये गैरों की इबादत के लिए नहीं है, ये तो कुफ्र का शियार है, लिहाजा कुफ्र का शियार बाकी नहीं रखा जाएगा। वो जो बुद्धा की अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट हैं, वो जैसे हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट हैं, बल्कि हिंदुस्तान तो बुद्धिस्टों का मक्का मदीना है, असल बुद्धिज्म गया से शुरू हुआ, बिहार में एक शहर है गया, वहां से बुद्ध वहां के थे और वहां उनकी मजहब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहीं गया में है और सारी दुनिया में बुद्धिस्ट वहीं पढ़ने के लिए आते हैं। तो हिंदुस्तान के जितने हिस्से थे, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, ये सब हिंदुस्तान के हिस्से थे, तो जितने हिंदुस्तान के हिस्से थे वहां तक बुद्धिस्ट थे और आज भी हैं, उनके पगोथे हैं, पगोथा उनका जो मंदिर होता है, उनके मंदिरों की तरह उनका पगोथा होता है, पगोथा में कितने भी बुद्धा की मूर्तियां हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, उसको कौन तोड़ता है? कोई नहीं तोड़ता, पूजो भी तुम्हारी मूर्तियां।
लेकिन एक मूर्ति उन्होंने बनाई थी, एक कोल्ड स्टोरेज थी बहुत बड़ी जिसमें गल्ला महफूज रहता था, और वो पहाड़ी इलाके में, अफगानिस्तान में तो पहाड़ी इलाका है ही, तो उस पहाड़ी इलाके में उन्होंने वो बनाई थी, और इतनी बड़ी बनाई थी कि उसके दोनों पैरों के बीच में से ट्रक गल्ला लेकर जाते थे और ये कोल्ड स्टोरी में रखा जाता था, और वहां से ट्रक गल्ला भरकर भी बुद्धा के दो टांगों के बीच में से निकलते थे बरकत के लिए, इसको तोड़ा था। ये कोई जो मूर्ति स्टेचू तोड़ा था वो चौराहे पर नहीं खड़ा था, वो कोल स्टोरी के दहाने पर बना रखा था, और उसके दो पैरों के बीच में से ट्रक जाते थे और आते थे बरकत के लिए। इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है? खैर, मैं तो ये कह रहा था कि गैरों के मुआशरे से हमें कुछ नहीं लेना। इस्लामी मुआशरा, कुरान में 18वें पारे में पहले सूरतुल मोमिनून है, सूरतुल मोमिनून के बाद ये सूरत आई है सूरतुल नूर, जिसमें इस्लाह मुआशरा के अहकाम है, और ये कहा है कि अगर तुम इन अहकाम पर अमर करोगे तो मुआशरा पुर नूर हो जाएगा। इसका नाम सूरतुल नूर इसलिए है कि अगर इन अहकाम पर अमल करोगे तो मुआशरा पुर नूर हो जाएगा। इस सूरत में सबसे पहला हुक्म जिना की सजा बयान की गई है, फिर जिना कुंवारे करें या शादी शुदा करें, दोनों के अहकाम अलग अलग हैं। कुंवारा मर्द और औरत दोनों कुंवारे हों, या दोनों में से एक कुंवारा हो, जो भी कुंवारा है उसको 100 कोड़े पड़ेंगे। कोड़ा अब रहा नहीं, पहले कोड़ा होता था चमड़ा, पतली सी पट्टी काटो, फिर दो तीन पट्टियां मिला करके इनको बटो, ये कोड़ा बन गया है। ये कोड़ा घोड़े पर जो बैठते थे, घोड़ा चलाने के लिए भी हाथ में ये कोड़ा रखते थे, ऊंट पर जो बैठते थे ऊंट को चलाने के लिए भी यही कोड़ा हाथ में रखते थे, कोड़ा मारते थे, ऊंट चलता था कोड़ा मारते थे, घोड़ा चलता था, घोड़ा तो कमची कोड़ा बर्दाश्त नहीं करता, तो एड़ मुश्किल से बर्दाश्त करता, लेकिन ऊंट को या बैलों को या भैंसों को हांकने के लिए ये कोड़ा आम तौर पर इस्तेमाल होता था। जैसे आजकल लकड़ी इस्तेमाल होती, छड़ी इस्तेमाल होती है, तो ऐसे 100 कोड़े मारने हैं, और मारने कहां, पीठ पर मारने हैं और जगह जिस्म में नहीं। जो भी कुंवारा है और जो शादीशुदा है, और दो या दोनों शादीशुदा हैं, तो फिर उनकी सजा है संसार करना, उनको पत्थर मारकर खत्म कर देना, मर जाए वहां तक पत्थर मारकर खत्म करना। ये कुरान में जो फिलहाल पहली दूसरी आयत में जो सजा है जिना की, वो कुंवारों की है, और शादीशुदा की जो सजा थी संसार, वो पहले कुरान में नाजिल की गई थी, फिर उस पर अमल शुरू करवाया गया, फिर उसको तिलावत उठा दी, लेकिन हुक्म बाकी रखा, तिलावत उठा दी, क्योंकि ये कुरान करीम ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये तो तमाम इंसानों के लिए है। बस जब गैर मुस्लिम कुरान को मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, और उस आयत पर से गुजरेंगे कि जो शादीशुदा जिना करे तो उसको संसार कर दिया जाएगा, तो वो इस्लाम से रुक जाएगा, क्योंकि वो काफिर होने की हालत में जिना का आदि है। तो सोचेगा कि मैं मुसलमान होऊंगा तो मुसलमान होते ही मैं मार दिया जाऊंगा। तो वो आयत, ये कुरान सिर्फ मसाइल की किताब नहीं है, ये किताब हिदायत भी है। इस किताब के मुताले से लोगों को हिदायत मिलती है, किताब दावत भी है।
بس اگر وہ آیت پڑھنے میں رکھی جاتی تو غیر مسلم اس آیت کو پڑھ کر اسلام کی طرف بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے. اس لیے نازل کی عمل شروع کروایا اور اس کے بعد میں اس کا تلاوت اٹھا لی, حکم باقی رکھا. کیوں؟ مثال دوں میں اس کی. آج کل جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں, مثلاً پاکستان لو, وہاں اسلامی قوانین کی مخالفت کرنے والے وڈیلے ہیں, جو ایجوکیٹڈ جو پارلیمنٹرین ہیں, یہ سب اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. اسلامی قوانین چار ہیں: زنا کی سزا, زنا کی تہمت لگانے کی سزا, چوری کی سزا اور شراب پینے کی سزا. یہی چار سزائیں بڑی سخت ہیں, مگر ان کے جاری کرنے کی نوبت بہت کم آتی ہیں, صرف ہوا ہیں. اب یہ جتنے بڑے ہیں ان گناہوں میں یہی مبتلا ہے. زنا وہ کرتے ہیں, ایک دوسرے پر زناؤں کی تہمت وہ لگاتے ہیں, چوریاں تو ایسی ایسی کرتے ہیں کہ سارے ملک کے چور ویسی چوریاں نہیں کر سکتے, ایسی چوریاں کرتے ہیں. اور شراب کے بغیر تو ان کی کوئی محفل ہوتی ہی نہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہوئے تو سب سے پہلے ہماری گردن نپے گی, اس لیے وہ اسلامی قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اسلامی قوانین دفعتاً نہیں نافذ کیے جاتے, پہلے معاشرے کو سنوارا جاتا ہے. اور جب گناہ صفر پوائنٹ پر آ جائیں تب پھر اسلامی احکام نافذ ہوتے ہیں. اس نقطے کو سمجھو. ایک دم رات کو سوئے, آج بل پاس کی عقل سے اسلامی سزا, تو سینکڑوں آدمی کوڑے پڑتے ہو جائیں گے اور کتنے سنسار کیے جائیں گے. نہیں, معاشرے کی اصلاح ضروری ہے. پہلے ایک پیریڈ, ایک وقت گزرے گا جس میں معاشرے کو نیک صالح بنایا جائے گا, پر نور بنایا جائے گا, اور جب معاشرہ سنور جائے گا تو پھر اس کے بعد اسلامی احکام نافذ ہوں گے. بہرحال سورۃ النور کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ, اور اس لیے سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی. ایک سزا اٹھا لی, آیت اٹھا لی, حکم باقی ہے, اور ایک سزا موجود ہے. پھر اس کے بعد میں کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارو. اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو تہمت لگانے والا 4 گواہوں سے زنا ثابت کرے, نہ کر سکے تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن اگر شوہر بیوی پر تہمت لگائے اور پھر شوہر 4 گواہوں سے ثابت کر دے تو بیوی پر سزا جاری ہوگی. لیکن اگر شوہر 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو شوہر کو حد قذف 80 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے, بلکہ قاضی دونوں کو لعان کروائے گا. شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اس نے اس عورت پر, عورت وہیں کھڑی ہوگی, اس کی طرف اشارہ کرے گا کہ اس نے اس عورت پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں وہ سچا ہے. پھر 5ویں مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر وہ اس تہمت میں جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت, اس پر, یعنی وہ تو کہے گا مجھ پر, میں مجھ پر لفظ کیوں بولوں. یہ کہہ کر جب فارغ ہوگی اب عورت بولے گی کہ یہ اس کا شوہر, اس نے مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے. 4 مرتبہ قسم کھا کر کے کہے گی وہ. پھر 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اس نے اس پر جو تہمت لگائی ہے اس میں اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے.
ये पांच मर्तबा ये कहे, इसका नाम लियान है। जब इसने ये पांच मर्तबा कह दिया, इसने पांच मर्तबा कह दिया, तो अब काजी दोनों का निकाह खत्म करेगा, डिसॉल्व कर देगा। वो कह देगा मैंने तुम दोनों में तफरीक कर दी, निकाह खत्म। तो इसका तज़किरा है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर, मर्द पर या औरत पर, कोई मर्द किसी मर्द या औरत पर या कोई औरत किसी मर्द या औरत पर जिना की तोहमत लगाए, तो जिस पर तोहमत लगाई है उसको दावा करना पड़ेगा काजी के यहाँ कि जैद ने मुझ पर तोहमत लगाई है जिना की। फिर उसको गवाहों से साबित भी करना पड़ेगा कि जैद ने मुझ पर जिना की तोहमत लगाई। जब वो साबित कर दे तो अब काजी जैद से कहेगा तूने जो तोहमत लगाई जिना की से चार गवाहों से जिना साबित कर। अगर वो साबित कर दे तो सजा जारी होगी, और वो साबित न कर सके तो उसको 80 कोड़े लगेंगे, तूने तोहमत क्यों लगाई, बगैर सबूत के तूने तोहमत क्यों लगाई। उसको 80 कोड़े लगेंगे, चाहे वो मर्द तोहमत लगाने वाला हो चाहे औरत तोहमत लगाने वाली हो। इस जगह जब हम पहुंचेंगे तो जहन में एक बात खटकेगी कि भाई जिना की सजा 100 कोड़े ठीक है, जिना तो बहुत बुरी चीज है, उसकी कोई सजा 100 कोड़े, लेकिन एक ने दूसरे से कह दिया तू जानी है, जिना की तोहमत लगाई, ये कहा तू जानी है, साबित नहीं कर सका, तो 80 कोड़े, ये तो बहुत ज्यादा सजा है। इतना कह दिया अंता जानी, तू जानी है, इतना कहने से 80 कोड़े, अभी 10 कोड़े मार के छुट्टी करो, नालायक को 2 थप्पड़ मार दो, आइंदा ऐसी हरकत मत करना, 80 कोड़े तो बहुत सख्त सजा है। तो फिर एक वाकया जिक्र किया और बतलाया कि जिना की तोहमत ये मामूली हरकत नहीं है, बड़ी सख्त हरकत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी थी, सबसे प्यारी तो हजरत खदीजा थी, उनके इंतकाल के बाद हजरत आयशा से निकाह हुआ है, ये दूसरे नंबर की प्यारी बीवी थी, उन पर जिना की तोहमत लगाई मुनाफिकीन ने। मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबै, उसने जिना की तोहमत लगाई। तोहमत क्यों किस तरह लगाई, एक जिहाद में हजरत आयशा हुजूर के साथ थी, वापसी में एक जगह काफले ने पड़ाव किया था, तो हजरत आयशा ऊंट पर एक हौदा बांधा जाता था पर्दा के साथ, उसमें वो बैठती थी और कोहार उसे उठाकर ऊंट पर रखकर बांध देते थे, और वो पर्दे के साथ एक कमरा है, ऊपर गुंबद जैसा कमरा है, उसमें उसको उर्दू में कहते हैं हौदा, अरबी में कहते हैं हौदज, वो नीचे रहते थे, उसी में लेटते, ऊंट के ऊपर भी उसी में होगा, नीचे रख देंगे, जब ऊंट बिठा दिया तो नीचे उतार कर रख देंगे तो लेटेंगे भी उसी में। रात के आखिरी हिस्से में उनको बड़े इस्तिंजे जाने की जरूरत पेश आई, क्योंकि अब काफला रवाना होगा, तो इसलिए जरूरिया से फारिग होने के लिए वो जंगल में गई दूर। वापस आई तो उनके गले में हार था वो नहीं, वो ये समझी कि मैं इस संजय गई थी, उधर कहीं ये हार टूट कर गिरा है, और वो हार मांग कर लाई थी, तो वो हार ढूंढने के लिए गई। जाहिर के बड़े इस्तिंजे के लिए कोई काफले के से निकल कर जाएगा तो काफी दूर जाएगा, तो वो काफले दूर जहां इस्तिंजे गई थी वहां गई हार ढूंढने के लिए। जब वहां से हार ढूंढ कर आई तो यहां से काफला रवाना हो गया था, और वो जो कोहार थे हौदा उठाने वाले वो आए, उन्होंने उठा करके हौदा ऊपर बांध दिया, वो ये समझे कि हजरत आयशा अंदर हैं, क्योंकि वो
नौजवान लड़की थी, हल्की फुल्की थी, उनको हल्केपन और भारीपन का एहसास नहीं हुआ, उन्होंने उठा करके ऊपर रख दिया और बांध करके ऊंट को कतार में रवाना कर दिया। ऊंटों की रेलगाड़ी चलती है, पहला ऊंट लेकर एक आदमी चलेगा, उसकी दुम से दूसरे की नकेल, फिर उसकी दुम से तीसरे की नकेल, ऐसे रेलगाड़ी बनती है। और पहला लेकर चलेगा और बाकी ऊपर जो सवार बैठे हैं वो सोते रहेंगे। अब हजरत आयशा जब हार ढूंढ कर आई तो यहां तो हुका आलम था, मैदान में कोई था ही नहीं, सब रवाना हो चुके थे। तो हजरत आयशा ने सोचा कि अगली मंजिल पर जब काफला रुकेगा और मुझे नहीं पाएंगे हुजूर, तो लोग ढूंढने के लिए यहां आएंगे, बस मुझे यहीं रुकना चाहिए, मैं काफले के निशानात पर पीछे 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 चलती रहूं। तो पहाड़ी इलाका है, निशानात खत्म हो गए, भटक कर पहाड़ों में कहीं से कहीं चला गया, तो ये मुझे नहीं पाएंगे और मुझे यहीं रहूंगी, तो दोपहर को जब ये काफला रुकेगा और मुझे नहीं पाएंगे तो ढूंढते हुए यहां आएंगे। तो हजरत आयशा वहां बैठ गई, सुबह का सुहाना वक्त था, बैठे बैठे नींद आई और पड़ गई, सो गई। उस जमाने में ये दस्तूर था कि कोई काफला चलता था, काफला कौन सा, जो लश्कर, कोई लश्कर चलता था तो चंद आदमी आगे चलते थे, ये मुकदमतुल जैश कहलाता था, लश्कर का अगला हिस्सा, वो आगे कहां, पीछे जो लश्कर आ रहा है उसको कहां ठहरना है, पानी कहां है, जहां पानी होगा वहां ठहरेगा, अरब में हर जगह पानी नहीं, तो वो पहले से जाएगा और इंतजाम करेगा कि काफला पीछे से आ रहा है वो कहां ठहराएंगे। और चंद आदमी, एक या ज्यादा आदमी काफले से पीछे चलते थे ताकि काफले की कोई गिरी पड़ी चीज, किसी का लोटा गिर गया, किसी का रुमाल गिर गया, किसी का कुछ गिर गया, तो उसे ले जाएं। वो पीछे एक या ज्यादा आदमी चला करते थे, उस जमाने का दस्तूर था। तो एक सहाबी हैं हजरत सफवान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु, वो काफले के पीछे रखे गए थे। सुबह सादिक के बाद वो पीछे से आ रहे हैं, जब इस मैदान में पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा कि कोई इंसान लेटा है, तो हैरत हुई, इंसान कैसे रहेगा। जब करीब आए तो हजरत आयशा पड़ी थी, चेहरा भी खुला था, तो देखकर पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने हजरत आयशा को पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था, तो पहचान गए। तो उन्होंने ऊंट पर से जोर से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सुनकर हजरत आयशा एकदम बेदार हो गई और उठकर बैठ गई और अपने आप को डांक लिया। हजरत सफवान ने ऊंट लाकर बिठाया, तो हजरत आयशा उठ करके ऊंट पर सवार हो गई और वो ऊंट की नकेल पकड़ कर चलते रहे। उन्होंने इनसे कुछ नहीं पूछा, इन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, तुम यहां कैसे रह गई, क्या हुआ, कुछ नहीं। उन्होंने ऊंट बिठाया, हजरत आयशा उठकर ऊंट पर बैठ गई और वो नकेल पकड़ कर चलते रहे और दोपहर को काफला जहां ठहरा हुआ था वहां पहुंचे। ये एक वाकया पेश आया था। इस वाकये में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबै ने रंग भरा, और ये रंग भरा उसने, और इसने कहा कि ये बिलकस्द पीछे रही थी और ये गोया हजरत सफवान के साथ मुलवस किया, ये जिना की तोहमत लगाई। इस मामले में कोई वही नहीं आई, 50 दिनों तक वही नहीं आई, और सारा मदीना दहल कर रह गया, इसलिए कि हुजूर की चहीती बीवी हजरत आयशा पर यह तोहमत थी, किसी मामूली आदमी पर नहीं थी।
لمبا واقعہ ہے. پھر زنا پر پھر آیتیں نازل ہوئی, 10 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد یہ پہلا رکوع ختم ہو کر جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی, اور ان سے کہا گیا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہو 4 گواہوں سے ثابت کرو, اور اگر ثابت نہیں کرتے تو فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, تم جھوٹے لپاڑی ہو. پھر ان پر سزا جاری کی گئی. اب سمجھ میں آیا کہ زنا کی تہمت اگر لگائی جائے تو بعض مرتبہ سارا معاشرہ سارا شہر پریشان ہو جاتا ہے. کسی ایسے آدمی پر تہمت لگائی جائے, مرد پر یا عورت پر, یہ واقعہ ذکر کر کے بتلایا کہ تم تہمت زنا کو معمولی واقعہ مت سمجھو, اور اس کی سزا جو 80 کوڑے ہے اسے معمولی مت سمجھو, وہ واجبی سزا ہے. پھر یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد میں اسی سے متعلقہ سلسلے میں متعلقہ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستہ, وہ بھی تہمت لگانے والوں میں تھے. حضرت ابو بکر کا خالہ زاد بھائی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت لگا رہا, اور وہ غریب تھے, حضرت ابو بکر ہی ان کا پورا خرچہ چلاتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت عائشہ کی برات کا بیان آیا اور ان پر تہمت لگانے کی وجہ سے سزا 80 کوڑے مارے گئے, تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ خرچہ نہیں دوں گا اسے. ہماری بلی ہم سے بھی ہو, ہمارے گھر کا آدمی ہمارا کھاتا ہے اور ہماری بیٹی پہ تہمت لگاتا ہے. تو قرآن نے اس سلسلے میں احکام نازل کیے, ولا یأتل اولو الفضل, یہ کہا صدیق اکبر سے کہا آپ بڑے آدمی ہیں, بڑے آدمی کو درگزر کرنا چاہیے, ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ تو صدیق اکبر نے کہا توبہ توبہ, پروردگار میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں. اور پھر حضرت مستہ کو ڈبل خرچہ دینے لگے, پہلے ایک دیتے دوسرے ڈبل خرچہ دینے لگے. ایسے ایسے احکام ہیں. پھر مرد پر تہمت لگائی جائے زنا کی, تو مرد تو کسی طرح سے برداشت بھی کر سکتا ہے, مرد تو بڑا باہمت ہوتا ہے, لیکن مومن عورت, المومنات الغافلات, وہ مومن عورتیں جن کے تصور میں کبھی زنا نہیں آیا, اگر ایسی خاتون پر کوئی زنا کی تہمت لگایا تو اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے عورت کے لیے. تو اس کے لیے مستقل آیتیں آئی کہ جو مومنات غافلات پر تہمت لگاتے ہیں ان کا قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر ایک قاعدہ بتلایا کہ اللہ کے بندو, دنیا کا قاعدہ ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے, کوے کوے کے ساتھ اڑتے ہیں, دنیا کا قاعدہ ہے. تو انسانوں میں بھی نیک لوگوں کی کمپنی اور بوروں کی کمپنی الگ ہوتی ہے. پس صدیقہ جب حضور کی بیوی ہیں تو نیکوں کی کمپنی میں زنا کہاں سے آیا, یہ تو بوروں کی کمپنی میں ہوتا ہے. یہ سب تیسرے رکوع میں احکام آئے. پھر اس کے بعد میں چوتھا رکوع شروع ہوا ہے جس کو مجھے اس وقت بیان کرنا ہے. چوتھے رکوع میں استیذان کے احکام ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ, مرد جائے یا عورت جائے, کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو, اور جب تک اجازت نہ ملے کسی کے گھر میں جھانکو بھی مت. یہاں تو جھانکنے کا سوال نہیں ہے, ہمارے یہاں دروازے کیواڑ ہوتے ہیں اور کیواڑ میں درز درز ہوتی ہے, شگاف ہوتا ہے, پھٹن ہوتی ہے. تو عورتیں آتی ہیں گھر پر تو کیواڑ کی درز میں سے اندر دیکھتی ہیں اور کہتے ارے کیا کر رہی ہے, ابھی اجازت تو لی نہیں اور ابھی سے اندر دیکھ رہی. یہ غلط ہے,
इजाजत तलब करो, जब तक इजाजत मिल न मिले अंदर घर में मत देखो। केवाड़ बिल्कुल दो पट खुले हैं तो अभी मत देखो, साइड पर खड़े रहो और बैल बजाओ या बकरी बजाओ, बैल बजाओ या बकरी बजाओ, फिर जब इजाजत मिले तब घर में जाओ। और अगर घर में से ये जवाब आ जाए कि मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूं, मिलने की पोजीशन में नहीं हूं, आप वापस जाएं, तो बेतकल्लुफ वापस लौट जाओ, बुरा मत मानो। एक साहब किसी के यहां गए तो घर में से बेल बजाई, वो घर में से दरवाजे पर आए और कहा मैं घर में नहीं हूं। तो आने वाले ने कहा अजीब आदमी हो, घर में हो और कहते हो मैं घर में नहीं हूं। कहने लगे परसों मैं आपके घर आया था तो आपने घर में से बच्चे को भेजा था कि जाओ कहो कि अब्बा ये कहते हैं कि अब्बा घर में नहीं, तो आपके बच्चे ने आकर ये कहा था, मैंने आपके बच्चे की बात मान ली थी, आज आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैंने तो आपके बच्चे की बात मान ली थी। ये जो हुक्म है मुआशरे को संवारने के लिए निहायत जरूरी है। बगैर इजाजत के किसी के कमरे में घर में घुस जाना, हो सकता है कि साहिब खाना ऐसी हालत में हो कि वो इसको पसंद न करे कि दूसरा उस हालत में उसे कोई देखे, चाहे वो कमरे में तन्हा हो, तन्हा होने की हालत में भी उसने लुंगी घुटने से ऊपर उठा रखी है, लेटा है, पढ़ रहा है, वो लुंगी ऊपर है, ये नहीं चाहता कि इस हालत में उसे कोई देखे, पर अगर बगैर इजाजत के कुछ घुस जाएगा कोई कितनी तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए इस तीजान के अहकाम आए हैं, फिर उसकी तफसील आते हैं। ये जो किसी के घर में इजाजत लेकर जाना है ये जिना से बचने के लिए हुक्म है। बगैर इजाजत के आदमी पहुंच जाएगा किसी के यहां तो हो सकता है उसकी बीवी उसके पास बैठी हो, गया तो आदमी से मिलने और उसकी बीवी उसके बैठी थी और ये बगैर इजाजत के लिए पहुंच गया तो बीवी को देख लिया, आशिक हो गया, अब सारी खराबियां पैदा होंगी। बस इजाजत लो, ताकि इजाजत पहले अगर बीवी शोहर के पास बैठी है मैं चली जाए, उसके बाद इजाजत देगी, अब आने वाला आएगा तो मुआशरा नहीं बिगड़ेगा। अगर बगैर इजाजत के दाखिल हो गए तो मुआशरा खराब हो सकता है। फिर उसके बाद में वो हुक्म आया है जिसमें गलत फहमी, 12 महरम और महरम जैसे हैं। महरम वो है जिससे हमेशा के लिए निकाह करना हराम है, जैसे बेटा भाई चचा मामू, जिससे हमेशा निकाह करना हराम है। और महरम जैसे नाबालिग बच्चे, अभी बच्चा सियाना नहीं है, अभी औरतों के भेद की बातें वो समझता ही नहीं है, ऐसा बच्चा ये महरम जैसा है। या बुढ़ा फूस और है टहलवा नौकर है, यानी जो हमारे यहां नौकर होते हैं महीने के हफ्ते के, वो नहीं, किसी घर वालों के यहां पड़ गया है, खाता है पीता है सोता है,
बस, और कोई दूसरा उसका घर वर कुछ नहीं है, किसी घर वालों के साथ पड़ गया है, घर वालों के काम करता है, खाता है, पढ़ता है, सोता है, वही जाता कहीं नहीं। इसको उर्दू में कहते हैं टहलवा नौकर। कोई तनख्वाह वनखा कुछ नहीं, वो किसी मालदार आदमी के घर पड़ गया, वहीं इनके घर वालों का जो काम थोड़ा मोड़ा काम है वो करता रहता है, खाता है, पीता है, सोता है वहीं। और है वो बूढ़ा फुस। ये फुस अरबी का लफ्ज है, वो अस्तग़फिरुल्लाह उर्दू का लफ्ज है, और पे और दो चश्मी है और वाव और सीन मिलकर के ये लफ्ज बना है। ये जो घास होती है सूख जाती है, सूखी सूखी घास, उसको फूस कहते हैं। तो वो बूढ़ा सूख गया है, जैसे सूखी घास होती है इस तरह से ये बूढ़ा सूख गया है, यानी अब मर्दानगी के नाम की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही उसमें। तो ये महरम जैसा है, हर बूढ़ा नहीं, जो टहलवा नौकर है और इस दर्जे तक बूढ़ा हो गया ये महरम जैसा है। या मुसलमान औरतें, चाहे कोई औरत हो, ये भी महरम जैसी है। तो ऐसे 12 की पूरी लिस्ट दी है जो महरम हैं या महरम जैसे हैं ये, और उनके और औरतें महरम औरतें आपस में किस तरह रहें ताकि मुआशरा खराब ना हो। वो आयतें मैं पढ़ रहा हूं जो असल बयान करनी है। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم। आप मोमिनीन से कहिए कि निगाह भरकर, आंखें भरकर मत देखो, आंखें नीची रखो, आंखें नीची रखो। इसका मतलब मैंने दूसरा लफ्ज बदला कि निकाह भरकर मत देखो, अपनी महरम औरतों को भी निकाह भरकर मत देखो। क्यों? और अपनी शर्मगाहों को महफूज रखो। अगर निकाह भरकर देखोगे तो शर्मगाहें महफूज नहीं रहेंगे। बाप ने बेटी को नजर भर कर देखा तो बाप और बेटी के दरमियान में फाहिशा वजूद में आएगा। भाई ने बहन को या बहन ने भाई को नजर भरकर देखा तो भाई बहन के दरमियान में फाहिशा आएगा। सास ने दामाद को, ये महरम है, सास और दामाद महरम है, मगर सास ने दामाद को या दामाद ने सास को नजर भरकर देखा तो फाहिशा पैदा होगा। अभी तो महरम है, सब साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, मगर नजर भरकर मत देखो, देखो मगर नजर भरकर मत देखो। तो फरमाया कुल للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم। आप मोमिनीन से कहिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये बात ज्यादा पाकीज़गी की है मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए ज्यादा पाकीज़गी की बात यह है कि मर्द नजर भरकर अपनी महरम औरतों को, बेटी बहन को नजर भरकर न देखें। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नउन, फरमाया कि चोरी छुपे अगर कोई गड़बड़ करेगा तो अल्लाह को सब पता है। लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला को हर चीज की खबर है। यहां रुक कर एक सो मसला समझो, कानून गुनाह से नहीं बचा सकता, बल्कि लोग कानून से बचने के लिए हजार रास्ते ढूंढ निकालते। दुनिया का कानून, कोई भी कानून हो, कानून गुनाह से नहीं बचा सकता, बल्कि लोग कानून से बचने के रास्ते निकाल लेते हैं।
गुनाह से बचा, दर हकीकत गुनाह से बचाने वाला अल्लाह का डर है, यही गुनाह से बचाता है। चाहे गुनाह पेट की शहवत के, पेट के हो, हलाल और हराम के गुनाह हो, शहवत के वो गुनाह हो, कोई भी गुनाह हो, अल्लाह का डर गुनाहों से बचाएगा, कानून नहीं बचाता। इसीलिए कुरान करीम में जहां भी कवानीन की आयतें हैं तो उन आयतों के आखिर में ये मजमून जरूर आता है, अल्लाह से डरो, अल्लाह हर चीज से वाकिफ हैं, अल्लाह अलीम व खबीर हैं। ये हर हुक्म के बाद ये मजमून जरूर आता है, क्योंकि महज कानून, चाहे वो शरई कानून हो, कानून गुनाह से नहीं बचा सकता, अल्लाह का डर गुनाह से बचाता है। तो फरमाया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। फिर दूसरी आयत शुरू हुई, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, और मोमिन औरतों से आप कहिए कि वो नजर भरकर न देखें। किनको? उसका बयान आगे आएगा। मैंने पहले कह दिया कि अपने महारिम को नजर भरकर न देखें, अगर नजर भरकर देखेंगे तो महरम महारिम के दरमियान में भी फाहिशा बुराई वजूद में आएगी। और फरमाया कि नजर नीची रखो, औरतों से कहिए कि औरतें अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी ये हुक्म इसलिए है ताकि फाहिशा वजूद में ना आए। उसके बाद फिर हसल जो आयत है वो सुनो, फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور عورتیں اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں, میں نے کل بتایا تھا کہ عورت کی خوبصورتی تین اعضاء میں ہے, इश्क आफरी, तीन आजा ऐसे हैं जो इश्क पैदा करते हैं, आशिकी माशूकी जो शुरू होती है वो तीन आजा उसका सबब बनते हैं, फेस सीने का उभार और जिस्म का पिछला उभार। जिस्म का पिछला उभार जो है उसके जाहिर होने का तो इस्लामी लिबास में कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई मर्द या औरत इस्लामी लिबास पहने हुए है तो जिस्म का पिछला उभार के जाहिर होने का कोई सवाल ही नहीं, ये तो काफिरों का लिबास है, पतलून और बनियान, इसमें वो उभार जाहिर होता है मर्दों का भी औरतों का भी, ये भी इश्क आफरी है। इसी तरह से सीने का उभार, ये भी इश्क आफरी है। ये तीन आजा हैं। तो पिछला जो जिस्म का उभार है वो तो इस्लामी लिबास में कोई सवाल ही नहीं जाहिर होने का। अब कुरान ने कहा कि ये जो औरत की जेबाइश है, ब्यूटी है, जीनत है, खूबसूरत है, ये एक्सेप्ट है। क्यों? औरत घर में महारिम के दरमियान हर वक्त बुरका ओढ़कर निकाब डाले रहे, ये बहुत मुश्किल है। बस इतना हुक्म काफी है कि एक दूसरे को नजर भर कर मत देखो, चेहरा खुला रख सकती है। बहन भाई के सामने, बाप के सामने, चचा मामू के सामने चेहरा खुला रख सकती है, और उनको ये, इन दोनों को ये हुक्म है कि एक दूसरे का चेहरा नजर भर कर मत देखो, वो इतना काफी है। हर वक्त बुरका ओढ़े रहे, नकाब डाले रहे, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका इस्तिस्ना किया कि वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और औरतें अपनी ब्यूटी अपनी जेबाइश जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो जेबाइश जीनत जो हर वक्त खुली रहती है। हदीस में इसकी शरह की गई चेहरा और हथेलियों के साथ, और फोकाहा ने टखनों से नीचे पैरों को भी इसके साथ लाहिक किया कि ये तीन हर वक्त खुले रहते ही हैं,
लिहाजा ये खुले रह सकते हैं। और ये बस नजर भर कर मत देखो, खुले रह सकते हैं। अलबत्ता कुर्ता अगर ऐसा पहनना है कि सीने का उभार महसूस होता है तो वो वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयुबिहिन्न, ओढ़नी ओढ़ कर अपने सीने के ऊपर ये ओढ़नी डाल दें, तो अब सीने का उभार खत्म हो गया। ओढ़नी ओढ़े हैं, ये जो आजकल मुसलमानों के मुआशरे में औरतें खुले सर अपने घर में महारिम के सामने रहती हैं, ये गलत है कि बेटे हैं भाई हैं, ये उन्हीं बेटों भाइयों की आयत है कि इनके दरमियान में सिर्फ यहां ओढ़नी नहीं ओढ़नी, उस ओढ़नी का पल्ला सीने पर भी यूं डालना है ताकि सीने का उभार छुपा रहे। तो फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, फिर फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्न, औरतें अपनी जीनत जाहिर न करें मगर इन बारह के सामने। यानी ऊपर की आयत में जो फरमाया था कि औरतें वो जीनत जो हर वक्त खुली रहती है, यानी चेहरा हथेलियां और पांव ये एक्सेप्ट, बाकी जीनत जाहिर न करें, अपना बदन जाहिर न करें महारिम के सामने भी। फिर कहा कि किन महारिम के सामने, वो महारिम जिनके साथ रहना सहना है। इसलिए इस बारह की लिस्ट में चचा मामू को नहीं लिया है, हालांकि चचा और मामू ये भी महरम है, मगर चचा और मामू एक साथ नहीं रहते। चचा का घर अलग होता है, चचा जात का घर अलग होता है, मामू का घर अलग होता है, मामू जात का घर अलग होता है। तो इस बारह की लिस्ट में चचा मामू को नहीं लिया, हालांकि चचा मामू जो हैं ये महरम हैं, मगर चूंकि उनके घर अलग हैं, इनके घर अलग हैं, इसलिए उनके साथ रहन सहन में मिलना जुलना नहीं होता है। उस फिर दोबारा वही तमहीद है, और फिर दूसरा इस्तिस्ना आया, एक इस्तिस्ना तो आया है इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो आज़ा जो हर वक्त खुले रहते हैं ये मुस्तस्ना, इनके अलावा औरत अपना बदन जाहिर न करे। फिर वही तमहीद वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्न, फरमाया कि औरतें अपना बदन न खोलें, वो एक इस्तिस्ना तो आ गया है, चेहरा हथेलियां पैर वो इस्तिस्ना है, वो तीन आज़ा खोल सकती है, बाकी बदन न खोलें, तीन आज़ा खोलें बाकी बदन न खोलें, किनके सामने? तो फहरिस्त दी के बारह हैं, शोहर के सामने, खुसर के सामने, शोहर का पहली बीवी से लड़का है, अब नाए बोलतिहिन्न, भतीजों के सामने, भांजियों के सामने, चचा मामू को नहीं लिया, गिनो शोहरों के सामने। यहां कोई तालिब इल्म सवाल करता है कि शोहर से तो कोई पर्दा नहीं, तो हम कहते हैं कि यहां पर्दे की आयत कहां है, ये तो सलीके से रहने की आयत है। तो सलीके से रहने का मैं क्या बीवी शोहर के सामने 24 घंटे नंगी नाचेगी? अरे भी शोहर के सामने भी तो सलीके से रहेगी। ये तालिब इल्म एक सवाल करते हैं कि इस बारह की लिस्ट में शोहर का जिक्र है, शोहर से तो कोई पर्दा नहीं, तो हम उनसे कहते हैं कि अरे अल्लाह के बंदो, ये पर्दे की आयत कहाँ है, हिजाब की आयत कहाँ, ये तो सलीके से रहने की आयत है। बस औरत को अपने शोहर के सामने भी घर में सलीके से रहना है, सिर्फ चेहरा हथेली पैर खुले रहे, बाकी बदन छुपा रहे, शोहर है इसका ये मतलब नहीं है कि नंगी नाचती रहे। शोहर
बाप खुसर अपने बेटे अपने बेटे यानी इस शोहर के अलावा दूसरे शोहर से अपने बेटे, शोहर के बेटे इस बीवी के अलावा दूसरी बीवी से, भाई भतीजे भांजे मुसलमान औरतें, ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, 8 हो गए। अब ये 8 के अलावा, ये तो 5 महारिम हैं, इनके अलावा 4 महरम जैसे हैं। एक है वो गुलाम बांदी जिनके मालिक हैं उन औरतों के दाएं हाथ, यानी किसी औरत का ममलू का गुलाम बांदी, वो भी इस लिस्ट में लिया है। इसमें फिर फोकाहा में इख्तिलाफ है, हनफिया कहते हैं कि सिर्फ बांदी को लिया है, और दूसरे अइम्मा कहते हैं नहीं गुलाम भी इसमें, हनफिया कहते हैं कि सिर्फ बांदी को लिया है, दलील एक निसाई हिन्ना के बाद इसका तज़किरा है। बस दो औरतें तो आई इस लिस्ट में, एक मुसलमान औरत, कोई भी मुसलमान औरत है वो इस लिस्ट में आई, दूसरी मुसलमान नहीं है मगर है बांदी तो वो इस लिस्ट में आई, और अगर वो मुसलमान भी नहीं है बांदी भी नहीं है काफिर है तो इस लिस्ट में नहीं आई, वो अजनबी मर्दों के हुक्म में गई। खैर जो 4 हैं, एक ममलू का गुलाम बांदी, तीसरा टहल अवताबेन गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, वो मर्द जो बूढ़ा फुस हो गया है और टहलवा है, ताबेइन है, किसी घर वालों के साथ पड़ा हुआ है, उनके घर वालों की खिदमत करता है और वहीं रहता है, और तीसरा है, तीसरा 3 आए निसाइहिन्ना, मुसलमान औरतों के सामने ये 3 आजा खोल सकते हैं, चेहरा हथेलियां और पैर, मुसलमान औरतों के सामने ये महरम जैसे हैं, 4 महरम जैसे, एक तो मुसलमान औरतें, एक ममलू का बांदियां जो मुसलमान नहीं है गैर मुस्लिम है लेकिन बांदी है तो वो इसके तहत में आई, और दूसरे इम्मा कहते हैं कि नहीं गुलाम भी इसके तहत में आया, तीसरा है टहलुआ आदमी जो किसी घर वालों के साथ पड़ा है और इंतहाई बूढ़ा है, और वतिफली लदीन अलम यजहरू अला औरात निसा, वो बच्चे जो औरतों के पर्दे की बातें नहीं जानते। तो ये जो लिस्ट है उसमें 8 तो महरम है और 4 महरम जैसे हैं, मुसलमान औरत, गुलाम बांदी, टहलुआ नौकर, ना समझ बच्चे, इन 12 की लिस्ट दी है, इनके सामने औरत अपनी जीनत इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, वो जो इस्तिस्ना आया था वो इस्तिस्ना इन 12 के लिए है। आप हजरत अरबी नहीं जानते इसलिए मुझे समझाने में थोड़ी दुश्वारी पेश आएगी, अरबी में इस्तिस्ना करते हैं, हर जुबान में करते हैं, आप जुबान में अरबी में इल्ला लाते हैं, जा जैदुन इल्ला जाल कौम इल्ला जैदुन गैर जैदिन गैर मग़बूब अलैहिम, आप लोग बट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, BUT इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस्तिस्ना दर इस्तिस्ना डबल इस्तिस्ना नहीं होता, और अगर डबल इस्तिस्ना किया जाए तो इबारत बहुत पेचीदा हो जाती। काफिया एक नहव की किताब है, गैर मुनसरिफ के बयान में इब्न हाजिब रहमतुल्लाह अलैह ने एक इस्तिस्ना दर इस्तिस्ना किया है तो तलबा को वो मसला समझाते समझाते आंखों में पानी आ जाता है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमान ने हुज्जतुल्लाह में एक जगह इस्तिस्ना दर इस्तिस्ना किया है तो 250 साल तक उसी बात को कोई समझा ही नहीं। और कुरान, कुरान तो वाज़े किताब है, अल किताबुल मुबीन,
और हर शख्स उसे समझ सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे जाहिल हो, शहरी हो, देहाती हो। तो कुरान करीम इस्तिस्ना दर इस्तिस्ना नहीं करता। अगर ऐसी जरूरत पेश आए तो मुस्तस्ना मिनहू को डबल वापस लाएगा। जो तमहीद है उस तमहीद के बारे में अगर दो बातें कहनी है तो एक साथ नहीं कहेगा कुरान, तमहीद दोबारा लाएगा। ये सब कायदे आप हजरात अच्छी तरह नहीं समझ सकते। जैसे कुरान में फरमाया यस्ताजिलूनका बिलअज़ाब, लोग आपसे जल्दी अजाब मांग रहे हैं, हम आपको नहीं मानते, हम आपका इनकार करते हैं, इनकार पर तुम कहते हो सजा मिलेगी हमें, लाओ ना सजा, कब लाओगे? तो कुरान ने कहा यस्ताजिलूनका बिलअज़ाब व इन जहन्नम लमुहीततुम बिलकाफिरीन, जहन्नम तुम्हें सब काफिरों को घेरे हुए है, दूर नहीं है। फिर कहा वयस्ताजिलूनका बिलअज़ाब, वो तमहीद फिर आई कि ये जल्दी अजाब मांगते हैं, वलौला अजलुम मुसम्मल लजाअहुमुल अज़ाब, अजाब का मुकर्रा वक्त तय है, अगर वो वक्त तय न होता तो अभी आ जाता। तब दो बातें कही, एक तो एक जहन्नम काफिरों के घेरे हुए है, और दूसरी बात ये कही कि अगर अजाब का वक्त अल्लाह के यहाँ मुकर्र तकदीर में अजली प्लानिंग में अगर अजाब का वक्त मुकर्रर न होता तो अभी आ जाता। तो ये दो बातें कही हैं, ये यस्ताजिलून कबिल अजाब, अजाब की जल्दी मचाने के सिलसिले में दो बातें कही हैं। तो एक तमहीद लाकर एक बात बयान की, फिर वही तमहीद लाकर दूसरी बात बयान की। अब समझने में कोई दुश्वारी नहीं। ऐसे ही अगर कुरान को कोई इस्तिस्ना करना होता है तो जिस चीज में से इस्तिस्ना करना है उसे मुस्तस्ना मिनहू कहते हैं, वो मुस्तस्ना मिनहू लाकर इस्तिस्ना करते हैं। फिर अगर दूसरा इस्तिस्ना करना हो तो वो मुस्तस्ना मिनहू लाकर दूसरा इस्तिस्ना करते हैं। तो फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपनी ब्यूटी, ब्यूटी से मुराद है औरत का बदन ही खुद ब्यूटी है, सर से पैर तक औरत का पूरा बदन ही ब्यूटी है। कहा अपनी ब्यूटी जाहिर मत करो, हरगिज जाहिर न करें औरतें अपनी ब्यूटी को, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये पहला इस्तिस्ना किया, मगर वो जिस्म का आज़ा जो हर वक्त खुले रहते हैं उनको हर वक्त ढांके रखने में दुश्वारी है, वो मुस्तस्ना है, बाकी बदन जाहिर न करें। फिर दूसरा इस्तिस्ना लाना है कि ये जो चेहरा और हाथ जाहिर करने की इजाजत है किनके सामने, और बाकी बदन जाहिर करने की इजाजत नहीं है किसके सामने। तो उस मुस्तस्ना मिन्हू को फिर लाए और फरमाए वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबौलतिहिन्न, औरतें अपनी ब्यूटी जाहिर न करें मगर इन बारह के सामने, यानी सारा बदन छुपाना है इन बारह से और ये तीन आज़ा जाहिर खुले रखने हैं इन बारह के सामने, सारा बदन छुपाए रखना है इन बारह से और ये तीन आज़ा खुले रखे जा सकते हैं इन बारह के सामने। फिर ये लिस्ट दिख पूरी हुई तो फिर फरमाया वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन्न लियालम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्न, फरमाया कि औरतें इन बारह के सामने पैर पटक कर न चले, पैर न पटकें, उससे कपड़े के अंदर पांचे के अंदर जो जेवर पहन रखा है खलखाल वो बजेगा और मर्द को पता चल जाएगा कि कपड़े के अंदर ये जेवर है, लिहाजा पैर पटक कर न चले, सुकून से इत्मीनान से आहिस्ता से पैर रख कर चले। जो कितना एहतमाम है, सीने पर ओढ़नी डाले रखो, बगैर ओढ़नी के घर में बेटों के सामने भाइयों के सामने मत रहो, सर खुला मत रखो, चेहरा हथेलियां और पांव खुले रह सकते हैं, और
अगर कोई जेवर पहन रखा है पिंडली में तो पैर पटक कर मत चलो, पता चल जाएगा। इसी तरह से हाथ की कलाई में कोई जेवर पहन रखा है इसे जाहिर मत करो, औरतें जाहिर करती हैं। एक बड़ी बी ने सोने की अंगूठी बनवाई, अब महल्ले की औरतें देखने नहीं आती, बुड्ढी ने सोने की अंगूठी बनवाई है, अब औरतें देखने नहीं आती। तो उन्होंने अपने उस बुड्ढी ने अपने घर में झोंपड़े में आग लगाई और आंगन में चारपाई बिछा कर बैठी और आग लगाकर, अब महल्ला दौड़ा तो अब वो, अरे वो बाल्टी रखी पानी लेकर डालो, अंगूठी दिखा रही, तो अंगूठी दिखाने के लिए अपना झोंकड़ा झोंपड़ा जला लिया है ताकि लोग उसकी अंगूठी देखे। अब औरतें घड़ी बांधती है तो खा मखा बुड़के में से हाथ निकाल करके दिखाएंगे घड़ी, और मोबाइल लेकर चल रही है तो मुसीबत है, रास्ते में चलते हुआ करती हुई जाएंगे, वो बताती है कि मेरे पास मोबाइल है। ये सब आंख की चोरियां हैं। अल्लाह ताला को सब आंख की चोरियों का पता है, उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं। तो फरमाया कि अगर तुम्हारी कलाई में जेवर है, तुम्हारे पैर में बिंडली में जेवर है, तो चलते वक्त पैर मत पटको ताकि मर्दों को पता चल जाए, आवाज सुने वो, अपने जेवर की आवाज भी बचाओ, आवाज मत होने दो। फिर कहा वतूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, तौबा करो, मुतवज्जो हो अल्लाह की तरफ, ऐ मुसलमानो, सबसे कहा। कोताही मर्दों से भी हो सकती है, कोताही औरतों से भी हो सकती है, लिहाजा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी गलतियों को माफ करेंगे, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो इस ऊपर अमल करो। ये आयत करीमा है। अब इसको हिजाब की आयत, हिजाब तो चेहरे के छुपाने का नाम है, इसमें चेहरे के खुला रखने का जिक्र है कि चेहरा हथेलियां पांव खुले रह सकते हैं, तो यहां से ले लिया कि चेहरे का हिजाब नहीं। अरे हिजाब के माने चेहरे के छुपाने के, और ये चेहरा खुला रखने की जो आयत है वो तो इन बारह के सामने जो महरम या महरम जैसे हैं उनके सामने इजाजत है, सलीके से रहने की, ताकि मुआशरा संवरा रहे, बिगड़े न। सूरे नूर का पूरा मौजू इस्लाह मुआशरा है, मुआशरे को कैसे संवारा जाए, उसको बिगाड़ से कैसे बचाया जाए, ये सूरे नूर का मौजू है। और हिजाब की आयतें, हिजाब की आयतें सूरे अहज़ाब में, और डेढ़ रुकू है, एक रुकू ने डेढ़ रुकू है, और वो हिजाब की आयतें यहां से शुरू होती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलु बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, पैगंबर के घर में बे इजाजत दाखिल मत हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलु बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, यहां से हिजाब के आयतें शुरू हुई है और दूर तक चली गई है। अब अगर इस वक्त इनको बयान करेंगे तो मजमून पूरा नहीं होगा, तो सूरह अहज़ाब की आयतें कल बयान करेंगे। आज तो ये समझना है कि ये आयतें सूरह नूर की, जिसमें ये कहा कि चेहरा हथेलियां और पांव खुले रह सकते हैं, बाकी बदन छुपाओ, किनके सामने खुले रह सकते हैं, ये बारह की लिस्ट है, जो महरम और महरम जैसे हैं इनके सामने ये तीन आज़ा खुले रह सकते हैं, बाकी बदन छुपाना है। चाहे पिंडली खोलना जायज है, बहन भाई के सामने पिंडली खोल सकती है, खोल सकती है का मतलब खोले ये मतलब नहीं है, पिंडली छुपाए रखनी,
सर खोल सकती है, बहन भाई के सामने सर खोल सकती है, मगर इस्लाह मुआशरा के लिए जरूरी है कि बहन भाई के सामने भी सर छुपाए रहे। माँ बेटों के सामने सीना पीठ सर पिंडली खोल सकती है, मगर बेटे अगर बालिग हो गए होनहार हो गए हैं तो जरूरी है कि वो बदन छुपाए रखें। हाँ, चेहरा हथेलिया और पांव छुपाए रखने में दुश्वारी है, क्योंकि तो हर वक्त का मसला है, तो ये इन 12 के सामने इनको खुला रख सकते हैं। और मकसद है इस्लाह मुआशरा, मुआशरे को संवारना, ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा न हो। अब मसला ये है कि औरत को रहना तो घर में है, घर से नहीं निकलना, लेकिन जरूरत के लिए निकलना पड़ सकता है, जरूरत के लिए निकलना पड़ सकता है, या किसी अजनबी मर्द को अजनबी औरत से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। हमारे घर पर कोई आया, उसे नॉक किया, घर में कोई नहीं है, हमारी बेटी है या बीवी है, तो वो जवाब देगी, तो अब इसके अहकाम आएंगे। अब वो अहकाम सूरह अहज़ाब में है और इस आयत से शुरू हुए हैं, जिनको कल इंशाअल्लाह बयान करूंगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।